अस्सलाम असलमकुम गए तो आज है रमज़ान का दूसरा जुम्मा तो मैंने सोचा कि छोटा सा ब्लॉग बना लिया जाए तो भाई साहब शायरी के टाइम ये हालत होती है हमारी सख्त नींद आई होती है तो आज हम दोस्तों ने सोचा कि आज शायरी में कुछ अलग किया जाए तो हमने हमने दो तीन पीज़े ऑर्डर किए और हमने वो खाए वो खा के पेट फुल हो चुका था हमारा थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हम गए होटल सैरी लेने के लिए ये भाई सैरी ले ली हमने मज़े मज़े के पराठे और फिर हम गए दूध और दही लेने शरी के लिए तो सैरी लेके निकले हम वापस फ्लैट की तरफ मेरे साथ मेरा दोस्त था और फरहान सैरी ला के हमने फ्लैट में आके चाय बनाई और फिर हमने ये सारे दोस्तों ने मिल के सैरी की सैरी करके फिर नमाज़ पढ़ के हम सो गए थे फिर सुबह यूनिवर्सिटी के टाइम पे उठे और ये सख्त गर्मी में हम यूनिवर्सिटी गए और ये देखें हमारी छोटी सी यूनिवर्सिटी और फिर हमने बोरिंग बोरिंग क्लासेज ली क्लासेज ले के हम चल पड़े में और फरहान वापस फ्लैट की तरफ़ आखिरकार हम इस गर्मी में वापस फ्लैट पहुंच ही गए मैं काफ़ी थक चुका था तो सोचा थोड़ी देर रेस्ट कर लूँ रेस्ट कर रहा था तो आँख ही लग फिर आँख खुली तो जुम्मे की नमाज़ का टाइम जा चुका था फिर गर्मी नमाज़ पढ़ी जहर की और फिर हम गए असर की नमाज़ पढ़ने असर की नमाज़ पढ़ के हम गए अफतारी करने अफतारी के लिए अफतारी करके हमने पढ़ी मगर की नमाज़ और फिर वापस होटल आके हम दोनों ने चाय पी फिर हम चले गए अफतारी करके फ्लैट वापस फ्लैट में थोड़ी देर रेस्ट किया और फिर हम निकल गए वापस बे सिक्स रोड की तरफ हमने सोचा थोड़ा थो सोडा पिया जाए फिर हम गए सोडा पीने के लिए सोडा आइस क्लब सिक्स रोड पे वहाँ से हम तीनों में ने सोडा लिया जिसमें से मैंने और फरहान ने दूध सोडा लिया और दोस्त ने एक मैंगो सोडा लिया फिर मज़े मज़े का यमी यमी सा सोडा पिया हमने वो पेट भर के और फिर वापस की तरफ हम निकल पड़े तो वापस आके हम काफ़ी थक चुके थे मैंने सोचा कि थोड़ी नींद ही कर ली जाए तो अल्लाह हाफिज़ दोस्तों